हेलो सर, धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बैकग्राउंड और आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड? मेरा नाम यशपाल है। मैं दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अच्छा। और मुख्य रूप से दिल्ली में दलित शोषण मुक्ति मंच के गठन और प्रसार के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी। अच्छा सर, हम यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स है ओबीसी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जब देखें कि जो आरक्षण वाली चीज़ है, तो आपको क्या लगता है कि ये बेनिफिशियल यानी जरूरी है? जी हाँ, आरक्षण अभी भी जरूरी है। जब तक कि इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से समानता नहीं आएगी, अभी भी हमारे देश में दलितों का उत्पीड़न जारी है। जातिवादी सूचक शब्दों से उन्हें अभी भी पुकारा जाता है, बावजूद इसके कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। इसलिए आरक्षण की अभी आवश्यकता है। जी सर, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, जो बाहर के देश हैं उनमें जो आरक्षण की जो प्रथा है वो कभी सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक नहीं रही है। हाँ, तो ये क्या ऐसा बेटर, मतलब ये कोई आइडिया नहीं है कि ये जो दिया जाता है, जो रेस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाती है, ये आरक्षण जो दिया जाता है ये कास्ट के आधार पे होना चाहिए या फिर सभी के लिए होना चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका कई हज़ार वर्षों से शोषण होता रहा और उनको कभी भी एक समान नज़रिए से नहीं देखा गया। और आज के तारीख में भी, जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, आज की तारीख में भी आप देखते हैं कि गुजरात के ऊना में, मध्य प्रदेश में और कितने ही राज्य ऐसे हैं जहां जाति के नाम के ऊपर लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो आरक्षण की आवश्यकता हमारे देश में अभी भी जाति के आधार पर है। जो लोग ये कहते हैं कि जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, आर्थिक आधार पर भी आप देखिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे गरीब तबका है तो वो अनुसूचित जाति का ही तबका है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और आप अभी आज के स्थिति में भी ये देखिए कि जो सबसे गरीब तबका है हिंदुस्तान में, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास लैंडलेस लेबर जिन्हें बोलते हैं, और उनमें से 50% के लगभग ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि अनुसूचित जाति के लोगों का अभी भी आर्थिक रूप से भी शोषण होता है और सामाजिक रूप से भी शोषण होता है। तो सर, हम बात करते हैं, जब बीजेपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी एंड एसटी के बारे में जो उन्हें दी गई है अपॉर्चुनिटी, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्रिएट की है अभी अगर देखा जाए, अभी वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रोग्राम जैसे कि धन योजना, ठीक है जी, उज्ज्वला योजना, अमाउंट 20 अदर्स, बहुत सारी योजना है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट वर्क काम कर रही है? सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं का लाभ चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, उनका लाभ आम जनता तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। अभी भी आप देखिए जनधन योजनाओं के नाम पर बहुत सारे अकाउंट खोलने का, खाते खोलने का दावा हमारी सरकार कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खाते बहुत सारे तो खुले ही नहीं हैं, और अगर खुले भी हैं तो उन पे भी जो पहले बताया गया था कि हम जीरो बैलेंस पे खाता खोलेंगे, अब उन खातों के ऊपर भी बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस नाम रखने के कारण चार्ज किया जा रहा है। तो इससे जो उनकी मेहनत की कमाई है, गरीब आदमी जो है वो बहुत मुश्किल से 8-10 हज़ार कमाता है, वो अपने खाते में 1,000 रुपया महीना नहीं रख सकता, और अगर 1,000 नहीं रखता है तो उस पर सैकड़ों रुपए उस पर जुर्माना लग जाता है। तो अगर हम लोग देखें जो
हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी उनका बैकग्राउंड हम सबको मालूम है, ठीक है। ऑल्सो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं केशव मौर्या जी, ठीक है, उनका भी जो बैकग्राउंड है वो भी हम सबको मालूम है। तो अभी भी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एंटी माइनॉरिटी बैकग्राउंड के लिए कुछ कर नहीं रहे? वो ये तो आपको स्पष्ट है कि जब से हमारी मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से अनुसूचित जाति लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले हैं 7.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हुई है जो उत्पीड़न के मामले हैं। पिछले वर्ष 40,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के खिलाफ, और 2014 से अगर देखें तो उसमें 7.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और मोदी के काल में ही आप देखिए ऊना की घटना हुई, जहां ये अपने आप को कहते हैं कि गुजरात मॉडल की सरकार होनी चाहिए, 15 वर्ष वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऊना में जो घटना घटी है वो आपके सामने है। इसी तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और सहारनपुर शब्बीरपुर का मामला आपके सामने है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और सोहन सिंह और सोनू, इन तीनों को बिना किसी केस के पहले तो गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जब यूपी हाई कोर्ट के निर्देश इस पंक्ति के साथ आए, इस टिप्पणी के साथ आए कि ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है, तो उसी दिन उसके ऊपर रासुका लगा के, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के फिर से उसको जेल में बंद किया हुआ है। और उस दूसरी तरफ आप देखिएगा, सिर्फ अनुसूचित जाति का सवाल नहीं है, जो घटना बलात्कार की हुई है उन्नाव में, उस घटना से स्पष्ट जाहिर होता है कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति हो या कासगंज के मामले में माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक हों या महिलाओं का, इन सब के अधिकारों के ऊपर लगातार हमला कर रही है। चलिए आपने ये बात कही तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मोदी जी ने कल खुद ही कहा कि 14 अप्रैल को वो जो भीमराव अंबेडकर जयंती है उसके ऊपर ये अपना बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल की स्थापना करने की घोषणा की है, जो कि पहले भी बहुत सारे लीडर कर चुके हैं, जैसे कि अटल जी ने उसमें प्राथमिकता दिखाई थी, ठीक है, जैसे जिंदल मेमोरियल के लिए। तो ये मतलब ये जो मेमोरीज हैं उनको अलाइव रखने के लिए सरकार कर रही है, तो आपको लगता है कि ये मेमोरीज अलाइव रहनी चाहिए, जिंदा रहने चाहिए? जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने शिक्षित थे, उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने ओबीसीज के लिए और महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, सभी के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किए हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि जो आमतौर पे मीडिया के लोग नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ बाबा साहब को यही कहते हैं कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के लड़े हैं। जब अंग्रेजी सरकार की के समय में भी उनको अंग्रेजों ने प्रतिनिधि के रूप में चुना था, और उनको जो जिम्मेदारी दी थी वो लेबर मामलों की दी थी। 1942 में भी उन्होंने तब श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य किए। ये आमतौर पर मीडिया दिखाता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बाबा साहब को एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ही नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने आपको मालूम होगा कि उन्होंने महिला कोड बिल के लिए, हिंदू कोड बिल की वजह से अपना मंत्रालय छोड़ा था। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जो हैं एक तरह से सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, और आप जानते होंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टैचू भी इसी नाम से लगा हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज की वजह से। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर हुए, और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए, समाज में समानता के लिए संघर्ष किया है, उनकी के जीवन को तो यादगार बनाया ही जाना चाहिए।
अगर हम देखें जो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे आप BSP उठा लीजिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट आप BSP उठा लीजिए, कांग्रेस उठा लीजिए, SP उठा लीजिए, ये सारी पॉलिटिक जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये कास्ट वोट बैंक के ऊपर ज़्यादा राजनीति करती हैं, कास्ट के ऊपर, तो क्योंकि इन्हें अब इलेक्शन में वोट चाहिए होता है, तो इस राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वोट लेने के लिए जो पूंजीवादी पार्टियां हैं वो हर हथकंडा अपनाती हैं, और उसी हथकंडे में ये भी शामिल होता है कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से हो सकता है BSP भी करती है, लेकिन BSP ने नॉट ओनली BSP, कांग्रेस, SP, सारी कांग्रेस भी है, लेकिन वोट लेने के बाद वो दलितों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए क्या काम कर रही है वो आपके सामने स्पष्ट है। तो इसी तरह से कांग्रेस ने भी देश में 60 साल से अधिक राज किया है, लगभग 60 साल राज किया है, तो उन्होंने भी जितनी भी योजनाएं बनाई वो सब की सब पेपर पे ही रखी, उनको जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया। तो ये है, वो मात्र वोट लेने के लिए दलितों का नाम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जमीन पे कार्य नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों को थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जब ये वोट मांगने के लिए जाते हैं कास्ट के सिस्टम के ऊपर, कोई भी पार्टी हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्हें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी को लेनी होती है, चाहे वो कास्ट पे वोट मांगे, चाहे धर्म पे मांगे या वैसे मांगे, जब वो चुने जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो जनता के लिए कार्य करें, और जनता के प्रति जवाबदेही उनका उनकी होती है, होनी भी चाहिए। जी अच्छा, अगर हम देखें अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, एक तबके से आते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे देशों में जाके देश को रिप्रेजेंट किया है, नेतृत्व किया है, दिखाया है देश के बारे में, ठीक है, तो और हर कास्ट में कहीं ना कहीं SC में, ST में, जनरल में, OBC में इनका कोई ना कोई फॉलोअर मिल जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए राजनीति है, राजनीति में हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में इनके समर्थक नहीं मिलेंगे, इन समर्थक होंगे, वो तो होते ही हैं। तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो 1989 में जो SC ST का ये एब्यूजिव जो गाली देने वाला एक लॉ बना था, उसके तहत अगर कोई किसी को गाली दे दिया जाता है तो उसे फर्दर जब तक कि उस चीज़ की साबित नहीं हो जाता उसे जेल में रख दिया जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज भी हो रहा है कई बार ना, इसको पारिवारिक खुन्नस निकालने के लिए या राजनीतिक चीज़ों के निकालने के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये तो एक धारणा बना रखी है कि इस कानून का दुरुपयोग होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जाता है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में उसको AD से चोटी तक की मेहनत करनी पड़ती है, तो कहीं जाके कुछ राजनीतिक दबाव में या कुछ दूसरे दबाव में आके कहीं गलती से रिपोर्ट लिखी जाती। जैसा मैंने अभी बताया कि जो पिछले वर्ष 40,000 से ज़्यादा मामले थे उसमें से लगभग मतलब जो 40,000 ये रिपोर्ट किए गए हैं, थानों में अभी भी ये स्थिति है कि 80% से ज़्यादा मामले दर्ज ही नहीं किए जाते। तो एक तो दुरुपयोग कैसे होगा, दूसरा ये है कि जब मामले ही दर्ज नहीं होता तो दुरुपयोग कैसे मान सकते हैं आप कि दुरुपयोग हुआ है। दूसरी तरफ जो इनकी कन्विक्शन रेट है, आप उसी से देख लीजिए, अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि 23% या 24% कन्विक्शन रेट है। तो ऐसे जब जैसे भी मामले आते हैं तो दूसरा पक्ष, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उन पे दूसरे दबाव डाल के इन मामलों में, और उनको ज़्यादातर कोशिश करवाई जाती है कि इसको वापस ले ले मामला, अगर वापस नहीं लेते तो गवाहों को तोड़ा जाता है, उनको आर्थिक लालच तक दिया जाता है। तो ये कहना कि ये दुरुपयोग हो रहा है वो गलत बात है। ऐसे ही इन्होंने ये बोला है कि 498 जो धारा है महिलाओं के उत्पीड़न की, उसमें भी यही कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है।
महिलाओं का उत्पीड़न आज भी हिंदुस्तान में क्या विश्व में आज भी होता है, ये सच्चाई है। और कुछ जो ताकतें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं, ये मूल रूप से इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस कानून को निष्प्रभावी बनाया जाए।